बैलगाड़ी पे जा रहे हैं हम लोग अभी ये सारा अनाज लेके, और फिर उसके बाद। और ये आप देखिए हमारे गांव में बहुत ज़्यादा आपको नमस्ते, गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिर से आपका एक नए ब्लॉग में। और आज मैं फिर से ये वाला ब्लॉग कोल्याबड़ा में ही बनाऊंगा। और आज हम लोग गेहूं बोने जाएंगे एक नए खेत में, एक नई जगह पे, उसको हम लोग काला दगड़ा बोलते हैं। कल हमने जिस जगह पे और जिस खेत पे हमने काम किया था उसको हम धनन कुआ बोलते हैं। और आज हम लोग जाएंगे काला दगड़ा। अभी सब लोग गेहूं तोल रहे हैं वहाँ पे बोने के लिए, कितने गेहूं लेके जाना है, क्या करना। तो आज का ये ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, अपनी विलेज लाइफ के ऊपर, अपने कैसे हम लोग काम करते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग दिखाएंगे। और ये आप देख सकते हो मेरे आइट साइड में ये सब कपास लगा हुआ है। काय कर रहे है? खेलने मंड रहे। ये देखो हमारा ताड़, कितना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से हमारे घर का। और ये इधर गेहूं ले जाने के लिए हमारी बैलगाड़ी तैयार हो गई, क्योंकि यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर आज फिर हमको दूर जाना है हमारे खेत। 2 क्विंटल गेहूं और हाथ ले जा रहा अपन 6 बोरी। 6 बोरी, वाह। चलो इस वाली बैलगाड़ी से हम लोग अभी गेहूं और खाद लेके जाने वाले हैं खेत में बोने के लिए। इधर के गेहूं आ गए हमारे यहाँ से। और ये हमारा घर है, यहाँ से हम लोगों ने शायद गेहूं ले। चलो रे। और ये मैं आ गया हूँ हमारे घर में, ये हमारे गेहूं तैयार है बैलगाड़ी में रखने के लिए। काका कहाँ खाना खा रहे? ये बच्चा पाल्टी खाना खा रही अंदर किचन में। चाहते भज लिया कर लेना। ये हमारा है अंदर की टीम, हमारे काम करने वाली टीम खाना खा रही, काका काकी और उनके बच्चे। और बस अभी हम लोग बैलगाड़ी तैयार कर रहे हैं, वहाँ पे खाद और गेहूँ रख रहे हैं। और उसके बाद फिर अभी हम लोग जाएंगे खेत। कहाँ आ रहे? ओ खाद कहाँ, इधर है क्या? अंदर है। ये हमारा खाद का गोदाम है। अरे बाप रे। चलो ठीक है। ये सुन, ये हमारा नया घर, अभी इसका बहुत सारा काम बचा है। पड़का भी रख दिया क्या? अरे मंगू ओखर 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 सॉरी। अरे बेलन लग तुझे था वो रहा, एक ये यार। बच्चे डिस्टर्ब कर रहे क्यों? डिस्टर्ब कर रहे ए, और जमा हो रहा है इसको व्यवस्थित। मिला? अरे इनसे नहीं होगा क्या? रहा ये भी वाइट ही देख रहा है यार। वाइट वाइट शर्ट पहन ले रहा है, मस्त रफ शर्ट हमारे मकान को पहना रहे हम लोग। क्यों मस्त शर्ट है ये, पहन ले, देखो वाइट मजा आ जाएगा। यूं ना ना खाना मन रे। हां हां ए बालू, क्या बोलती बालू का चाहिए रहे की माल पाने रहे? पहनो पहनो, चले फिर। अब आदि भी आवे रे, तू भी आपसे। ये अभी मंगू बैलगाड़ी जोत रहे। निकल गए हम लोग बैलगाड़ी लेके। और अभी हम लोग भी गाड़ी में बैठेंगे, मंगू हमारा बैलगाड़ी चलाएगा। आराम आराम से कह रहे, ज़्यादा लोड तो नहीं है जैसे। ये बैठ गया मैं बैलगाड़ी में। अभी बैल को मास्क लगाएंगे हम लोग। ये बैल के लिए मास्क आ गया। हाँ वही तो ही। निकलने की दिक्कत हो रही है।
कहीं जमा ना दी रहे बिल्कुल ये मास्क लगा रहे ताकि स्टीयरिंग मेरे को पकड़नी पड़ेगी अभी बैलगाड़ी की स्टीयरिंग मैंने रस्सी पकड़ लिए। मास्क नहीं लगाएंगे तो ये कपास को खाएगा और बहुत सारी चीजें ऐसे जो रास्ते में हरी चीजें उनको खाने की कोशिश करेगा, इसलिए मास्क लगा दिया हमने। और ये मंगू के हाथ में मैंने स्टीयरिंग दे दी। ले छोटे बैठ रहा के और ये मैं तो बैलगाड़ी में बैठ गया और ये बैलगाड़ी मंगू चला रहा हमारा। ये बैलगाड़ी में इतना सामान रखा है, ये मैं बैठा हूँ। ओ तेरे 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 कहीं नहीं कहीं जान जान दे ये थोड़ा सा। एकदम पुरानी फिल्म वाली वाइब आ रही है बैलगाड़ी में बैठ के जा रहे तो। हाँ जासन मुड़ास कौन आस्ता किले आसन ना अपने टचक 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 बैलगाड़ी पे जा रहे हम लोग अभी ये सारा अनाज लेके और फिर उसके बाद काम करेंगे हम लोग आज तो फुल टाइम। और ये आप देखिए हमारा गांव। और अभी सारे खेतों में सब लोगों ने कपास लगा के रखा इधर। और ये आप देखिए हमारे गांव में बहुत ज़्यादा आपको ताड़ देखने को मिलेंगे। और अभी बस ताड़ी का सीजन भी चालू होने ही वाला है लगभग डेढ़ दो महीने के बाद। और आप देख सकते हैं आसपास बहुत सारे ताड़ हैं हमारे गांव में। ऐसा है हमारा गांव ओलिया बरोड़ा। यहाँ ये रेलवे का काम चालू है भी और ये सब सारे हमारे खेत थे पहले और हमारे खेत में ही ये रेलवे स्टेशन बन रहा है ऐसा ही। और ये अभी हम लोग मेन रोड पे लगने वाले हैं, ये आप सामने रोड देख रहे होंगे। ये वाली साइड से आप बोरी जा सकते हो। और सच बताऊँ तो मैं लगभग 6 या 7 सालों बाद बैलगाड़ी पे बैठ के इतनी दूर तक जा रहा हूँ मैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देखो हमारे गांव का तालाब है। हाँ और ये फाइनली हम लोग आ चुके हमारे खेत के पास में। और ये हमने बैलगाड़ी खड़ी कर दी है और ये बोरी जोबट मार्ग है। और ये वाला जो खेत देख रहे हो ये हमारा खेत है जहाँ पर अभी हम लोग गेहूँ बोने वाले इस वाले खेत में। और अभी इस वाले रोड का काम चल रहा है जोबट मार्ग का। और ये हमारा खेत है जहाँ पर आज हम गेहूँ बोएंगे। तो सिंधी दिख रही वहाँ तक हमारा खेत है, बहुत बड़ा खेत है ये वैसे। और अभी ये वाला हम सारा सामान उतारेंगे और उसके बाद इसको खेत में रखेंगे, उसके बाद फिर हमारा काम चालू होगा बहुत तरीके से। कोशिश करेंगे कि आज हम 4-5 लोग मिलके इस वाले खेत को कंप्लीट करेंगे बोने का काम। कतरा वाणू कतर जय जय।
मैं सीख रहा हूँ ये गेहूँ बोने का काम, अभी मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तीन टगर एक वहां को तो खत लाओ से यहां को तो बहु देखो मेरे पीछे क्या आ रहा है। ले मिकाई करो रे, कहां मैं गांव आओ कि खोद की काई करो। मैं हल चला रहे थे, हाथ हल मार से नहीं चला रही है, हल नहीं चला, हल नो काम तो तुत बढ़िया है। सुमित क्या करेगा? ऊपर चला सुमित, तू घर चलाएगा और मैं खाद लाऊंगा। ये दोनों मिक्स खा दे। ये देखिए आप, बुआई के दौरान हमारे खेत में कुछ दो तीन चार बगुले आए हुए हैं। वैसे आजकल बहुत कम ये वाली चीज़ें देखने को मिलती है। ये देखिए आप, एक बगुला पीछे पीछे जाते हुए और कुछ खाने को भी मिल रहा है शायद उसको। वो जो झाड़ दिख रहा है वहाँ से लेकर ये इस साइड आपको आम दिख रहा है, इस वाले खेत को आज हमने कंप्लीट कर दिया पूरी तरीके से। और ये वाला खेत, ये जो बच्चा है, यहाँ से लेके वहाँ तक इस वाले खेत को भी लगभग कंप्लीट कर दिया। बस सिर्फ कल आकर यहाँ पे सिर्फ गेहूँ बोना है, बाकी पूरा काम कंप्लीट हो गया। और बस इतना ही था। अगर आपको आज का मेरा ये खेती बाड़ी वाला ब्लॉग अच्छा लगा, मेरे घर का ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय जोहार।